गाइस, आप लोग गैस कर सकते हैं आज कहाँ हम लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं। रातू रोड स्थित हम लोग छोटा नागपुर वाटर पार्क आए हैं आज सारे बच्चों के साथ। आज यहाँ एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे यहाँ का वाटर पार्क कैसा है और हम लोग फुल मस्ती करने वाले हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग यहाँ सारी कुछ आपको बताने वाले हैं कि ये वाटर पार्क कैसा है, यहाँ के टिकट रेट क्या हैं, अच्छे बुरे, ये सारे कुछ हम आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताते हैं और सब कुछ दिखाते हैं पार्ट पार्ट भाई आप लोगों को। चलिए तो हम लोग देखते हैं और सबसे पहले हम लोग टिकट लेते हैं यहाँ का। तो हम लोग यहाँ पे टोटली 6 टिकट कट कर चुके हैं। पर टिकट रेट 500 है। यहाँ पे 3 फीट से ज़्यादा के बच्चों के टिकट है, 3 फीट के छोटे हाइट के लिए फ्री है। और ये यहाँ पे कोई भी हाफ टिकट का प्रावधान नहीं है, यहाँ फुल ही टिकट कटवानी पड़ती है। वाटर पार्क का हम लोगों के यहाँ हाथ में बैंडिंग हो चुका है। ये 500 का सिर्फ बाकी है एक। हाँ बाकी है, दिखाओ बैंड, दिखाओ बैंड, दिखाओ बैंड, दिखा। नहीं अब खोलेगा तो सीज नहीं होगा, फिर नहीं होगा तो खोलना नहीं ना। चलो चलो तुम भैया सब वीडियो बनाओ। फाइनली हम लोग सारे रेडी हो गए हैं एंजॉय करने के लिए, तो हम लोग चलते हैं और खूब सारा एंजॉय करते हैं। आप लोग भी बने रहिए, आप लोग भी बने रहिए हम लोगों के साथ में और आप लोग भी एंजॉय कीजिए। बाय गाइस। उधर गर्म लगा ना, नीचे गर्म लगा था, लिटिल भाग रहा है, क्या हुआ? इतना तेज से दौड़ के क्यों भागा था तुम? नीचे गर्म लग रहा था, जल रहा था पेट, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। यहाँ पे आई थिंक कंस्ट्रक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी ये बन ही रहा है, तो अभी से इतना ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो काफ़ी और भी ज़्यादा व्यू यहाँ का अच्छा ही होगा। तो देखते हैं हम लोग आगे। ये बच्चों लोगों के लिए कुछ स्लाइडर अवेलेबल है, ऐसे बड़े लोग भी कर रहे हैं लेकिन ये स्पेशली बच्चों के लिए है। हाँ, ये मेरी बुड़बक सी सिस्टर, छोटी सी, जाओ तुम ऊपर से स्लाइड करके आओ, क्या शूट करते हैं। हाँ ये बच्चों लोगों की सबसे हाइटेड वाली स्लाइडर। जो तकरीबन 30-40 फीट के हाइट पे से स्लाइड करते हैं लोग। कैसा आया मजा? वापस से इस बड़े वाले स्लाइडर से मामी जी आती हुई। हाँ
बस 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 आराम से। तो वेब पुल में आप लोगों का स्वागत है। आइए। ओह वेब पुल तो बिल्कुल ही शांत पड़ा हुआ है, बेकार के लोग शोर शराबे कर रहे हैं। वेब पुल में तूफान तो आ ही नहीं रहा। चलो ये सबसे बड़ी वाली स्लाइडर का एक्सप्लोर करना हम लोग रह गया। हम लोग तो घूम तो लिए, फाइनली मेरे को लगा कि लास्ट टाइम पे सर का वीडियो शूट करूंगा, लेकिन ये तो अभी बंद कर दिया गया है। पहले हम लोग कर चुके थे, बट हम लोगों तो सारे कर लिए। चलिए कोई नहीं, कुछ और स्लाइडर आप लोगों को दिखाते हैं हम। चलो लेफ्ट साइड में तुम बैठना, चलो आ जाओ, चलो चलो आ जाओ। एक नंबर शगुन, देखो सेम ऐसे ही बनाना, ठीक। ऐसे आएंगे तो फिर यहाँ जाएंगे वहाँ कर देंगे। फाइनली हम लोगों को स्लाइडर बेल्ट मिल चुका है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। ओहो यार बहुत ऊपर सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पूरे तरीके से थक चुके हैं। फिर भी वीडियोस के लिए एक लास्ट टाइम और भी करने वाला हूँ। फाइनली हम लोग फ्लोर पे आ चुके हैं, सबसे हाइट वाली सबसे लॉन्ग स्लाइडर के पास। ये देखिए गाइस, ओ भाई और सबसे मस्त वाली चीज दिखाता हूँ मैं। नहीं हम कर नहीं रहे भाई, हट जाओ। चलिए भरिए ना, आगे रखिए ना।
सारे लाइन पे लगे हुए घंटे कैसा लगा मम्मी? वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे में मैं एक रिव्यू बताना चाहता हूँ कि अदर दो रांची में तो टोटल तीन तीन वाटर पार्क हैं, तीनों के कंपेयर में आप कह सकते हैं बेस्ट है, अच्छा है, आप जा सकते हैं, चूज कर सकते हैं इसे। बट क्या है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हुई थी हमारे साथ कि मैं जब इंटर कर रहा था टिकट लेने के लिए तो हम लोग टोटली 8 पर्सन गए थे। 8 लोग में हमारे साथ एक छोटे बच्चे थे, बच्चे की ही हाइट समथिंग 3 फीट 2 इंच ऐसा कुछ था, लेकिन ये 2 इंच के लिए भी मेरे को फुल टिकट पे किया करना पड़ा उसके लिए, जो अदर मेरे को शायद पता है कि अदर में ऐसे है कि 3 फीट हाइट होना चाहिए बच्चों का, बट क्या है कि 1-2 इंच मैटर नहीं करता, वो लोग ऐसे कर देते हैं, निकाल लेते हैं कि चलो ठीक है जा सकते हैं। बट यहाँ नहीं है, यहाँ आपका 1 इंच भी अगर एक्स्ट्रा जाता है 3 फीट से तो पूरे टिकट ले देना पड़ेगा। चलो वो भी मैटर नहीं करता है, बट क्या है कि यहाँ थोड़ा सा बैड हैबिट्स हैं लोगों का कि लोगों का सही से वो बिहेव नहीं करते हैं लोगों के साथ, रूड बिहेव करते हैं। बाकी और वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। अंदर भी मेरे को सारे स्लाइडर्स बहुत अच्छे लगे। थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ लोकल होने के रीजन के वजह से ना बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ाती है, और भीड़ होने के वजह से आप समझ सकते हैं कि स्विमिंग पूल पे स्पेस कम हो जाता है, स्लाइडर पे आपके जो वो बलून्स है स्लाइडर के वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं टाइम पे, और उसके लिए आपको आधे घंटे 10 मिनट वेट करके लाइन पे बलून्स लेना पड़ता है। यही सब थोड़े थोड़े प्रॉब्लम है। दूसरे क्या है कि आप उरमांझी वाले में तरंग पे जाते हैं या वाइल्ड वादी पे जाते हैं तो वहाँ आप लोगों की लॉकर्स के ये के लिए चार्ज नहीं किया जाता है, ड्रेस कोड के लिए चार्ज नहीं किया जाता है। यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ टिकट रेट भी हाई रखा गया है, दोनों को कंपेयर में यहाँ 100 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, 400 के जगह 500 यहाँ पे करना है, और लॉकर्स के लिए और ड्रेस कोड के लिए हमको एक्स्ट्रा मतलब एडवांस में 200 रुपये पे करना पड़ता है, बाद में मेरे को 150 रिटर्न किया जाता है, 50 चार्ज किया जाता है 50 लॉकर्स के लिए, 50 ड्रेस के लिए, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज है। बट क्या है कि ये दूसरी बात ये है कि आप जाने का भी एक सुविधा हो जाता है, दोनों अगर जाते हैं उन लोगों के तो वो आउटर एरिया पड़ता है यहाँ से।